अच्छा आओ, क्या बात है? माँ को दुश्मन समझ रही हो? नहीं तो फिर इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ इधर आओ। क्या आपको मुझ पे जरा तरस नहीं आ रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद को बेहद मजलूम समझ रही हो। बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुमने बना ली। अच्छा मुझे कुछ बताओ, आखिर हुआ क्या? क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सुल्तान के साथ गुजारा नहीं कर सकती हो? कुछ तो बताओ मुझे। सुल्तान? लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं कहता था दिन तो कहती थी दिन, मैं कहता था रात तो कहती थी। मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ ना आपसे बहुत। हाँ लेकिन तुम्हें ही उसकी तरह बॉन्डिंग क्रिएट करना नहीं आ रहा। तुम क्यों इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हो? मैं तुमसे नेल्स के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम हाथों का जिक्र कर रही हो। खैर गलती मेरी है, मैं भूल गया था कि तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो अपनी शौहर की पसंद के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हैं। और इतना ही नहीं, बज़ाहिर तो वो एक मुकम्मल हमसफर है जिनमें कोई कमी नहीं, पर वो कहाँ जा रही हो? I'm done. तो तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर दो लोग एक साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खा रहे हैं तो आप टेबल छोड़कर इस तरह नहीं उठते। It gives a very bad impression. अगर ये छोटी छोटी बातें भी मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेंगी तो क्या खाक समझोगे तुम मुझे? ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं यार, तुम्हें यही नहीं पता? दावा करती हो तुम मुझसे मोहब्बत करने का, इस तरह करोगी तुम मुझसे मोहब्बत? मुझे लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है सर। I'm sorry. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है अम्मा? आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इन छोटी छोटी बातों से मुझे तकलीफ पहुंचती है, अज़ियत मिलती है मुझे। और मेरे अलावा उन्होंने किसी और लड़की की तरफ देखा, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? क्या मतलब कैसे भूल सकती हूँ? औरत हो भूलना आना चाहिए वरना जिंदगी को भूल जाओगी। माँ असरा, माँ हूं इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। मर्द को बेहिजाब करोगी तो दिल पे जख्म के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मेरे दिल पे तो अब भी जख्म के सिवा और कुछ नहीं है। हर वक्त उसकी टो में ना रहा करो, हर बात कह के खुद की बात का वजन हल्का मत करो, अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीख। अम्मा बस कर दे, जितनी आप सुल्तान की हिमायत कर रही हैं ना, मेरा दिल उतना ही उनकी तरफ से बुरा होता जा रहा है। सुल्तान से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
मैं अब उस घर में तभी वापस जाऊंगी जब वो मुझे खुद लेकर जाने के लिए आएंगे। जो लड़की अना और खुदसरी दिखाती है वो अपने शौहर के दिल से उतर जाती है। मर्द मोहब्बत से पिघलता है अरसरा, खुदसरी और ऐब गिनवाने से नहीं। जो बीवी ऐसा करती है मर्द उसकी अना को एक ठोकर से उड़ा के पाश पाश कर देता है। इसलिए अकलमंद औरतें ये ठोकर पड़ने ही नहीं देती हैं। क्यों समझा रहे हैं आप मुझे? मत समझाएं। इस वक्त मैं सुल्तान के हक में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम अपनी जिंदगी के लिए जो रास्ता चुन रही हो उस रास्ते में कोई मंजिल नहीं आती। इस रास्ते में सिर्फ वीराना है और दुख है, और मैं तुम्हारी माँ हूं। इसलिए जब तक जिंदा हूं तुम्हें इस रास्ते पे कदम रखने नहीं दूंगी। तकिए पे जाके सो, जो उलझन होती है। मुझे तो यही अच्छा लगता है, यही तकिया है मेरा। क्या हो गया है मुझे? क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूं? चली गई तो चली गई, लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, हम सबको तो याद नहीं करते। लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्यों इतना सोच रहा हूं उसके बारे में? चली गई तो चली गई।